जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मेरा काम बहुत है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है आज मेरी। और चलिए मैं दिखाती हूँ पहले हमारा न्यू घर का जो दरवाजा है वो किस डिजाइन का बना हुआ है। तो दोस्तों शायद आप लोग ये दरवाजा ठीक से दिखाई नहीं दे क्योंकि हम लोग का लाइट गुल हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं करंट तो अभी है नहीं, ऐसे ही देख लीजिए इस डिजाइन का हम लोग का दरवाजा बन चुका है। और मैं अभी अपना न्यू घर दिखा नहीं सकती, वो मैं डांसर सनातन ब्लॉग में दिखाऊंगी जो आप लोग को डिटेल से सब कुछ कैसे बना है, कैसा है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो दोस्तों निकलते निकलते ये देखिए मेरी दीदी श्री काम में लगी हुई है घर की, घर का साफ सफाई में मिट्टी देने के लिए। क्योंकि आपको मैं पहले ही बोली थी कि जब मेरी मम्मी थी तो ये सारा घर जो आप देख रहे हैं पूरा घर का जिम्मा मेरी मम्मी के ऊपर थी। मैंने आज कभी तक मिट्टी तक टच नहीं किया था, मम्मी हमेशा गोबर देके अच्छा से व्हाइट मिट्टी में पोताई करके घर को चौकाचंद करके रखी थी और हमने कभी नहीं किया। आज मम्मी ये दीदी देखिए खुशनी से उसको मिट्टी को हटा रही है, साफ कर रही है। और मैंने मिट्टी कहाँ से लाया, बहुत दूर खेत है वहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी मिल जाती है, मैं वहीं से लाई हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मिट्टी मैंने कहाँ सान के रखा है। तो दोस्तों ये मैंने गली पे, ये मैंने छोटा सा अपना गली में इतना सारा मिट्टी इकट्ठा करके मैं अच्छा से इसको मिला के फ्रेश करके रखी हूँ। इसको दीवार में देने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये देख सकते हैं मिट्टी, मेरी मेहनत का फल अभी दीवार में लगने वाली है। आइए दिखाती हूँ कौन सा दीवार अभी बाकी है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए कैसे हालत हो गया है। ये बारिश का दिन है, आप लोग भी सोच रहे हैं कि ये सावित्री पगला उगला नहीं ना गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का नल खुदाया गया, आप लोग को पता है ये बोरा के अंदर है। और यहाँ नल खुदाने के कारण ये टाली है उसको ऊपर किया गया था जिसके कारण पूरा दीवार हम लोग का पानी गिरा और धसते गया। अब इसको भी कंप्लीट करना है। आप लोग बोलते हैं कि आप लोग कैसे रहते हो, ना आप लोग का रंग ना आप लोग का रूप, कमेंट में बहुत सारा आता है। तो दोस्तों हम लोग जिस चीज के लिए फेमस हुई है सर, दोस्तों हम लोग रंग रूप पे कभी नहीं गए हैं, हम लोग जो है अपना रियलिटी को दिखाते हैं। आप हमेशा भाई को भी देखिएगा, मुझे भी देखिएगा, ना हमारी ड्रेस की कोई फिक्र होती है ना फेस की, हम लोग जैसे हैं उसी लोक में आप लोग के सामने पेश करते हैं जो भी हो। तो दोस्तों हम लोग डांस के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिसके कारण हम लोग घर में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हाँ अभी घर को भी साफ सफाई कर रही हूँ, बारिश है फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें आप लोग के सामने जो पेश करना है डांस, तो इंतजार की घड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हमें YouTube में देखते होंगे कि ये डांसर सनातन सावित्री का घर कैसा है, बहुत सारे लोग YouTube में देखे हैं। तो दोस्तों क्या करें, हम इतने बिजी है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी ध्यान दे रहे हैं बारिश में, ऐसा नहीं। यहीं पर आप लोग को याद है मम्मी यहाँ पर गोबर से पोताई कर रही थी और मम्मी का वीडियो यहीं से हम लोग YouTube में डाले थे डांसर सनातन में, आप लोग को याद होगा जब मेरी मम्मी थी। दुर्भाग्यवश अभी मेरी मम्मी नहीं है, बस मम्मी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है दोनों भाई बहन के ऊपर और आप लोग का प्यार। और सबसे बड़ी बात आप लोग का प्यार हमारे साथ है। और प्लीज़ अगर आप लोग हमसे बड़े हैं तो आप लोग का आशीर्वाद की अभी ज़रूरत है हमें दोनों भाई बहन के ऊपर। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार हमेशा करते रहेगा। अभी तो मम्मी है नहीं, तभी दीदी का काम हो रही है। अभी मैं भी मिट्टी देने वाली हूँ। अब लोग सोच रहे हैं कि सावित्री तब से भाषण नहीं दे रही है। सच बताऊं दोस्तों तो मैं घर के काम में बिजी थी और अभी दीदी, अभी मेरा घर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है तो मैं अभी दीदी के साथ हाथ बटाऊंगी। और दोस्तों मैं फिर से कहती हूं कि अगर आप हम लोग से बड़े हैं तो प्लीज हमें आशीर्वाद हमेशा हमेशा अपने हाथ हमारे सर के ऊपर रखिएगा, दोनों भाई बहन के ऊपर। मम्मी का तो प्यार मिलता ही है, पापा का तो मिलता ही है, बस आप लोग का प्यार हमें भर भर के चाहिए। तो चलिए अब दिखाते हैं कैसे मैं भी मिट्टी देती हूँ। कंटिन्यू रहिए। चलिए दोस्तों मैं मिट्टी देते देते आप लोगों को गाना सुनाती हूँ। गुरु गोविंद खड़े काके लागूं पाय, गुरु गोविंद खड़े काके लागूं पाय, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए कबीरा, गोविंद दिया बताए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। दोस्तों मैं उसके बाद भूल गई का है, याद नहीं है मुझे, लेकिन ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। ये सॉन्ग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन मैंने छोटा सा आप लोगों को सुनाई। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने इतना दे लिया, बस थोड़ा सा बाकी। और इधर देखिए मेरी गौ माता आ गई है, अब बाछुर भी सामने ही है, बस लपा लपा भी देते रहेगी, जैसे मौका में मिला ना छोड़ेगा नहीं, बस लपा लपा अपना लगे रहेगा। दोस्तों ये धीरे धीरे मेरा मिट्टी दिया हुआ कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों मैं कबीर दास की ऐसी तो लाइन, सारी लाइनें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हमको लग रहा है आज तक कबीर दास का शायद कोई होगा ना होने वाला है। तो मैं कबीर दास की एक पंक्ति चुराना चाहती हूँ और मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होय कबीरा, खुद भी शीतल हो। तो दोस्तों कबीर जी अगर आज होते तो क्या होता। कबीर ने हिंदू मुस्लिम को जो एकजुट करने का जो उसने अपना धारण चलाया था, अगर आज होता तो हमको लग रहा है वो जिंदा नहीं होते, रहने नहीं था। आजकल ट्रेन में चढ़ी एक टीचर जो क्या बोले अपने ही बोल में, जो कि किसी किसी को लगता है वो खराब बोले हैं, किसी को अच्छा लगता है, कोई बोल रहा है कि धर्म के विरुद्ध उसने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ किया है, क्योंकि टीचर कभी भी जाति पाति को लेके नहीं चल सकता है। यूनिफॉर्म जो बनाया गया है सबके लिए एक, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि टीचर को, जो टीचर है वो जाति पाति को कैसे बांट सकता है, वो कैसे बच्चों को अज्ञान दे सकता है। तो क्या बोलूं, मैं खुद एक टीचर हूँ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास करते हैं कि ऐसे कोई बच्चों के मन में ऐसा कोई भाव ना हो कि हिंदू और मुस्लिम को अलग किया जा सके, सब एक है। तो दोस्तों देख रहे हैं मिट्टी देते देते रात हो गई, ये देखिए मेरा मिट्टी कंप्लीट हो गया। अब सांझ देते हैं और घर का, घर में ध्यान देते हैं, खाना वाना बनाना है। तो चलिए देखिए आगे, तो दोस्तों हम सांझ मेरा हो गया, सांझ दिया हुआ जो हम लोग शाम को देते हैं। और ये हमारी घर की बिजली हो गई है, गुल देख सकते हैं लाइट नहीं है, और ये जो लाइट आ रही है मेरे फेस पे वो न्यू रूम की लाइट है, जो हमारे घर में बिजली नहीं है, बगल वाले के घर से बिजली लाए हैं एक तार से, जो कि इसी रूम में सिर्फ जल रहा है, और हमारे घर में अभी काम हो रही है न्यू रूम में। तो ये वीडियो भी आपको, न्यू रूम का वीडियो जो ब्लॉग बहुत जल्द आप लोग को हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आई होप आज का आपका ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो आप लोग न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा और लाइक जरूर ठोकिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।